तीन साल के लिए जेल भी जा सकते हैं और हम इनकी डिस्क्वालिफिकेशन मूव करेंगे, लेकिन अगर इनकी डेट्स पे कंप्लाई विद नहीं करते तो फिर हम सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त करेंगे कि इनको सिर्फ काफ़ी नहीं है इनको डिस्क्वालीफाई करना, इनको जेल में भी भेजा जाना चाहिए। आज यहाँ पे हाई कोर्ट में जो JIT है उसके ऊपर मामला आया है और JIT में हमने उसको चैलेंज किया है। हमने कहा है कि देखिए ये मोहसिन नकवी, ये उस्मान अनवर IG पंजाब और CCPO लाहौर सदीक कमियाना, ये जिले शाह के कत्ल में हमारे मरकज़ी मुलज़म हैं और इन्हीं के पास हम पेश हो जाएँ तफ्तीश के लिए, इससे बड़ी ज़्यादती क्या होगी। और उसके साथ साथ ये जो JIT है इसको कैबिनेट ने मंजूरी भी नहीं दी हुई, लिहाजा सेक्शन 19 जो है इसका हमारे एंटी टेररिज्म एक्ट का वो वाजे है, JIT कॉन्स्टिट्यूट नहीं की जा सकती, बनाई नहीं जा सकती, एडिशनल सेक्रेटरी होम के पास ये पावर नहीं है कि वो JIT बनाए, लिहाजा उसके ऊपर आज जो पटिशन है उसको अब मंडे के लिए जो है वो अदा उसको नोटिस हो गया है और ये हो गया है कि जो हुकूमत है वो इसके ऊपर आके अपना जवाब दे। लेकिन ये 2-2 है, ये JIT नहीं चल सकती, इसलिए अब ये केस सब जुडिस है और JIT जो है उस वक्त तक काम नहीं करे जब तक कि ये हाई कोर्ट का फैसला इस ज़मन में जो है वो आ नहीं जाता। और दूसरी बात यह है कि इमरान खान के ऊपर जो मुकदमे हैं वो हमने हाई कोर्ट को कहा एक दिन में, ये देखिए जो टेररिज्म केसेस हैं जिस तरीके से इस हुकूमत ने बनाए हैं ऐसे तो लोग रेवड़ियाँ नहीं बांटते जिस तरह इन्होंने एंटी टेररिज्म केसेस बनाए। इमरान खान के ऊपर एक दिन में 15 टेररिज्म के केसेस हैं, मैं इस्लामाबाद में बैठा हूँ, लाहौर में मेरे ऊपर टेररिज्म केस हो गया। इतने बेहया, कम ज़र्फ और घटिया लोग मैंने हुकूमत में कभी इससे पहले देखे ही नहीं है जितने ये लोग अपने चढ़ गए। बहरहाल इंशाल्लाह इनका इख्तिताम नज़दीक है। इलेक्शन का नाम लें तो ये ऐसे भाग और चोरी के बाद भाग कर, आप देखेंगे अगर इनको डराना हो ना तो इनके कमरों में आवाज़ दे दो जाके इलेक्शन आ गए, ये कमरों में अपने जूते छोड़ के भाग जाएंगे। अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ कैसे ऐसे काम कर सकती हैं, मैं शहबाज शरीफ साहब को कहना चाहता हूँ मरियम नवाज़ आपके ख़िलाफ़ साजिश कर रही है, जिस तरह जरदारी ने यूसुफ रजा गिलानी के ख़िलाफ़ साजिश की थी, उनको डिस्क्वालीफाई कराया था, अब ये मरियम नवाज़ आपको डिस्क्वालीफाई कराना चाहती है ताकि उसका रास्ता साफ हो जाए। ये उनके मशीनों पर अमल ना करें, आप अपना दिमाग इस्तेमाल करें। पाकिस्तान के आइन में सेपरेशन ऑफ पावर्स हैं, कोई हुकूमत के पास इख्तियार नहीं है कि वो अदलिया के फैसले को कहे मैं नहीं मानती। हुकूमत अगर अदलिया के फैसले पर एतराज़ करती है तो वो सिर्फ रिवीजन में जा सकती है, नज़र सानी में जा सकती है। आप अपना कानूनी इख्तियार इस्तेमाल करें। इरफान कादर साहब और मरियम नवाज़ जैसे जो जहांदीदा लोग हैं जिनको कानून की ABC का नहीं पता, उनके मशवरों पर चलेंगे आपने खुद अपने आप को डुबोना है। तो और जिस तरीके से गिलानी साहब को जरदारी ने उनको 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई किया, आपने 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई होना है और फिर जो आपके हालात हैं मुझे नहीं लगता वापस आ सके सियासत में, लिहाजा इस पर गौर करें। इसी तरह से जो कैबिनेट मेंबर्स हैं उनको भी मैं कहूँगा कि बिलावल भुट्टो कितने सियाने निकले हैं, उस दिन वो कैबिनेट में ही नहीं थे, वो बाहर चले गए हैं। इस तरह से शहरी जो सबसे ज़्यादा बोल रही हैं वो भी कैबिनेट में उस दिन नहीं थी, वो भी बाहर चली गई हैं। आप लोग भी अपना रास्ता तलाश कर लें। थैंक यू। जब वो कानून बनेगा तो देखेंगे, अभी तो वो कानून बना ही नहीं है, सदर साहब ने उसको साइन नहीं किया और उस कानून को चैलेंज किया जा रहा है। सर ये बताइएगा, अवामी नेशनल पार्टी ने असासे छुपाने और मौलाना फजल रहमान की पार्टी ने इज्जत में निकाह पर इमरान खान के खिलाफ नाअहली की दरख्वास्त दायर की, इस पे क्या कहना? मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कितने कमज़र्फ और घटिया लोग मैंने देखे ही नहीं अपनी ज़िंदगी में जो इस वक्त हमें मुखालिफ मिल गए, जो लोगों के घरों में जब केस शुरू हुआ था कि बड़ी करप्शन की है ये हो गया, अब आ गया है कि जी इज्जत में निकाह कर लिया है। अगर जो इतने लोग घटिया इस सतह पर गिर जाए उन पर सवाए थू थू करने के आप क्या कर सकते हैं। थैंक यू।